हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हैं, जितना अभी आप लोगों को जरूरत है उतना आप लोगों को हम बताएंगे आज। जैसे कि हम बोले थे कि इटरेशन में ज़्यादा मायने रखता है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। अगर आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अच्छी तरह से पता नहीं है या याद नहीं है, तो इंटीग्रेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन हम बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापित करके जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत मायने रखता है और बहुत जो आवश्यकता पड़ता है वहाँ पर त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला या मतलब लिखवा देंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला। पहले हम जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उस फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। तो देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़े थे। साइन थीटा का 1 बटे कोसेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट हो गया। सेक थीटा का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला आपका होगा 1 बटे कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपका होगा 1 बटे साइन थीटा। देखिए इसमें होता क्या है कि साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा, मतलब पलट देता है। साइन की जगह पे कॉस चल जाता है, कॉस की जगह पे साइन चल जाता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं। तो 10th क्लास के फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। देखिए 10th क्लास के फॉर्मूला में और कुछ फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीन वो फॉर्मूला है, तीन वो से आप 9 फॉर्मूला हम लोग को बनाकर दिखा रहे हैं। तो ये तीन वो फॉर्मूला से देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, देखिए ये प्लस है तो इधर माइनस ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखिए साइन प्लस में है, साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक इससे हम 2 निकाले, फिर इससे 2 निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा का अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा का निकालते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस में, ये वाला प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका तीन गो से देखिए, ये तीन गो इससे 2 बना, इससे 2 बना, फिर इससे 2 बनेगा। तो इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर का निकालेंगे हम, यहाँ निकालते हैं कोसेक स्क्वायर का निकालेंगे तो ये माइनस इधर का प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा का निकालते हैं हम अगर, तो ये माइनस में है इधर लेंगे तो प्लस में कॉट हो गया, ये माइनस लगे इधर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तीन गो से फॉर्मूला देखिए, ये तीन गो 2 गो 3 2 5 6 7 8 9 गो फॉर्मूला बना। तो ये जो फॉर्मूला है 10th क्लास में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं अगर फॉर्मूला के बारे में, सब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उतारते जाइए मेरे साथ साथ। अगला फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते हम पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार हम अगर कॉस में देखें, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, अगर कॉस 90 प्लस थीटा देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो ये प्लस यहाँ पर माइनस कैसे लिख दिया आप, कैसे पता चला कि यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर दोनों प्लस से होगा ये कैसे आप जाने। तो चलिए इस बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। तो इसके पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D बना लेते हैं। देखिए ये
ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जीरो डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 डिग्री होता है। देखिए 0, 90, 180, 270, फिर यहाँ पर 360 डिग्री हो जाता है। क्लॉक के माध्यम से चलते हैं, देखिए 0, 90, 180, 270, 360 इस तरीका से होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए समझाते हैं आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सभी का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच निकालेंगे तो मेरा पॉजिटिव आएगा। और इसमें साइन कोसेक, अब साइन कोसेक का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच निकालेंगे तो केवल पॉजिटिव आएगा। बाकी कोई भी चीज़ का साइन कोस को छोड़, साइन कोसेक को छोड़कर टैन कॉट सेक कॉस का मान निकाल देंगे तो इसमें निगेटिव आ जाएगा आपका। इसी प्रकार इसमें टैन कॉट का केवल मान पॉजिटिव आएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, बाकी सब का मान निगेटिव आएगा। इसमें आपका उसी प्रकार कॉस सेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का मान निगेटिव आएगा। तो आप बोलिए कि सर ये बताने का मतलब, बताने का मकसद आप क्यों बताएं हम लोगों के लिए। देखिए मेरा बताने का मकसद यही है कि साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से कम 0, 90 के बीच में होगा ना, 90 से कम 0, 90 से बीच में होगा ना। साइन 90 प्लस थीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका मान पॉजिटिव होता है। तो अगर हम 90 माइनस थीटा किए, यानी साइन का मान जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो साइन का मान कॉस में आया। फॉर्मूला जानते हैं हम, साइन 90 में कुछ भी घटता है कॉस में होता है, जोड़े घटाए कॉस में होता है, तो पॉजिटिव में कॉस हुआ और साइन 90 प्लस थीटा हुआ। लेकिन 90 प्लस भी थीटा, इसमें साइन भी पॉजिटिव होता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का मान इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इससे कॉस आया, इस पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार कॉस में देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिखे हैं। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 जीरो के बीच में कॉस का मान पॉजिटिव जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए साइन थीटा आया है तो साइन थीटा पॉजिटिव लिख दिए हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस का मान देखिए इसमें, इसमें कॉस का मान निगेटिव आ गया क्योंकि साइन कोसेक का मान केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब का मान निगेटिव होता है। तो इसमें कॉस 90 प्लस थीटा है तो इसमें पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन थीटा आया मेरा, तो साइन थीटा निगेटिव में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 90 देख लिए, साइन कॉस देखिए टेन देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा देखते हैं तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या में होगा, कॉट थीटा क्या में होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा पॉजिटिव में होगा। टेन 90 प्लस थीटा देखते हैं, 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा टेन का मान कैसे में आएगा, टेन का मान पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में आता है कॉट होता है, कॉट निगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर साइन कोसेक होता है, टेन का मान निगेटिव होता है तो यह माइनस में आएगा। इसी प्रकार देखते हैं हम कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा जानते हैं हम होता है, और इसी प्रकार कॉट 90 प्लस थीटा बराबर देखते हैं तो इसमें माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस 90 180 के बीच में होगा, 90 प्लस जब भी होगा 90 180 के बीच में होगा, और इसमें आपका जो कॉट का मान होता है निगेटिव होता है, कॉट का मान निगेटिव होता है, कॉट का मान निगेटिव होता है तो कॉट का मान टेन में आ रहा, टेन का मान आपका यहाँ पर निगेटिव होगा, कॉट हो गया। इसी प्रकार सेक देखते हैं हम, सेक 90 माइनस थीटा देखते हैं, इसमें भी कोसेक होगा तो कोसेक थीटा, इसी प्रकार सेक 90 प्लस थीटा देखते हैं तो माइनस कोसेक होगा, माइनस कोसेक होगा क्योंकि सेक का मान भी इसमें निगेटिव होता है, सेक का मान भी निगेटिव होता है क्योंकि साइन कोसेक का मान केवल पॉजिटिव होता है। अब देखिए इस प्रकार कोसेक का देखते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा देखते हैं, देखिए 90 माइनस थीटा इसमें पॉजिटिव है तो साइन कोसेक 90 माइनस थीटा वाला सेक थीटा होता है, जानते हैं हम सेक थीटा होता है पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। ये वाला देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, जिसमें भी पॉजिटिव में, पॉजिटिव लिखते नहीं है, कोसेक
90 प्लस थीटा देखते हैं अगर इसी प्रकार, तो प्लस देखिए प्लस ही वाला, हाँ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक का मान क्या होता है देखिए, पॉजिटिव कोसेक का मान लिखा है ना, साइन कोसेक का मान पॉजिटिव, पॉजिटिव कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो भी आएगा सेक थीटा आएगा, तो सेक थीटा पॉजिटिव में आएगा, तो सेक थीटा लिख दिए। तो ये आपका साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का होगा। इसी प्रकार एक चार्ट बनाकर आपको दिखाते हैं हम, अगर 180 प्लस हो 180 माइनस होगा तो कैसे आपको पॉजिटिव नेगेटिव जानेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं अभी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए इसको हम मिटा दिए। अब चलिए एक चार्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 90 माइनस थीटा पहले किए, उसके बाद 90 प्लस थीटा करेंगे, उसी प्रकार 180 माइनस थीटा किए, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा किए, फिर 270 माइनस थीटा किए, इसी प्रकार 270 प्लस थीटा किए, इसी प्रकार 360 माइनस थीटा किए, उसी प्रकार 360 प्लस थीटा किए। अब देखिए 90 साइन लगाते हैं, अगर साइन का मान 90 माइनस थीटा देखते हैं, तो साइन का मान 90 माइनस थीटा देखिए पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा कॉस पॉजिटिव आएगा, साइन 90 प्लस थीटा आएगा, 90 प्लस थीटा देखिए साइन का मान इसमें निगेटिव पॉजिटिव है, साइन का मान पॉजिटिव है तो कॉस में आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। साइन 180 माइनस थीटा देखिए होता पहले क्या वो बता देते हैं हम, क्या क्या होता है वो बता देते हैं। साइन का अगर मान रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा रहेगा, तो सबसे पहले कॉस आता है, इसमें कॉस आता है साइन वाला में, साइन वाला में सबसे पहले कॉस आता है, उसके बाद 180 वाला में साइन आ जाता है, फिर 270 वाला में फिर कॉस आ जाता है, फिर 360 वाला में फिर साइन आ जाता है। और पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है कि क्या होता है, साइन वाला में होता है, कॉस वाला में क्या होता है, साइन वाला में आपको होता है, कॉस वाला में क्या होता है कि इसमें आपका साइन आ जाता है, इसमें आपका कॉस आ जाता है, इसमें आपका फिर साइन आ जाता है, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर डैश देकर लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर साइन आ जाता है, फिर यहाँ पर कॉस आ जाता है, मतलब एक एक छोड़ कर आता है। देखिए टैन किसी प्रकार देखते हैं, टैन तो टैन का क्या होता है, कॉट होता है पहले, उसके बाद फिर टैन हो जाता है, फिर उसी प्रकार इसमें कॉट होता है, फिर इसी प्रकार इसमें टैन हो जाता है। मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है कि टैन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस, साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसमें आपको देखना है, इसी प्रकार कॉस वाला भी करते हैं, तो कॉस से साइन होगा, कॉस हुआ साइन हुआ, उसके बाद साइन कॉस होगा फिर साइन होगा, लेकिन आपको इसमें देखना क्या है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर प्लस करते हैं तो मेरा पॉजिटिव, माइनस करते हैं तो नेगेटिव होगा, कि अगर साइन वाला में तो प्लस में भी पॉजिटिव माइनस में भी पॉजिटिव, ये वाला प्लस 90 वाला के जब 90 वाला का बात होगा तो इसमें दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 180 वाला में कब नेगेटिव होगा, लेकिन कब होगा आपको देखना है। देखिए देखते हैं, साइन वाला बता देते हैं आप लोगों को, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा होगा, लेकिन साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा, 180 270 के बीच में होगा, इसमें खाली टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, इसमें साइन का मान नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा 180 प्लस थीटा वाला में, 180 माइनस थीटा वाला में पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार आपको सब करके अपना फॉर्मूला का चार्ट एक बना लेना है। तो अगला हम आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, अगला फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। इसी पर कॉस ए प्लस बी का देखते हैं, कॉस ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला देखें हम, कॉस ए प्लस बी का तो होता है कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखें हम अगर, इसमें क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए
इंटू साइन बी। इसी प्रकार टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा इंक कम हो गया है, चलिए इसी पर खींचते हैं अभी। टेन ए प्लस बी का देखते हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला देखते हैं, होता है टेन ए माइनस टेन बी बाटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाता है। अगर हम इसी पर कॉट का फॉर्मूला देखते हैं, तो यहाँ पर कॉट का लिखते हैं, कॉट ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला देखें, इंक इग्नोर टू किए, थोड़ा इंक हम डाल लेगा, तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें, देखिए क्या होता है, कॉट बी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस वन बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखें, तो क्या होता है, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन बटे कॉट, ये कॉट है, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ से हम फॉर्मूला देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम फॉर्मूला देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे साइन टू ए का फॉर्मूला। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब जो फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाने आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है, साइन टू ए का टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। और एक साइन साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के पद में अगर साइन टू ए का फॉर्मूला लिखे, टेन के पद में होता है टू टेन ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टू टेन ए बटे वन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी साइन टू ए का फॉर्मूला है, साइन टू ए का फॉर्मूला ये भी है। इसी प्रकार हम कॉस टू ए का फॉर्मूला देखते हैं, कॉस टू ए का फॉर्मूला देखते हैं, तो कॉस टू ए का फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी लिखवाया है हम, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस टू ए का दूसरा फॉर्मूला लिखवाए थे हम पिछले वीडियो में, आप लोगों को लिखवा दिया था इंटीग्रेशन का, जो इसका जरूरत पड़ा था इस फॉर्मूला का, जिसके फॉर्मूला का हम जब उपयोग कर रहे थे, तो इस फॉर्मूला का पूरा तोड़ कम लिखवा दिए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, कॉस टू ए का और एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। और इसी प्रकार कॉस टू ए का फॉर्मूला टेन के रूप में देखें, तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, बटे वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। और साइन कॉस्ट साइन टू ए को हो गया, कॉस टू ए का हो गया। इसी प्रकार हम टेन टू ए का फॉर्मूला देखते हैं, टेन टू ए का फॉर्मूला, तो टेन टू ए का फॉर्मूला होता है वो टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर हो जाता है, वन माइनस टेन स्क्वायर होता है, प्लस होता है साइन में, यहाँ पर माइनस होता है, बस इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, टेन टू ए का फॉर्मूला हो गया। और टेन टू ए का साइन कॉस टेन टू ए सबका फॉर्मूला होगा टू ए के पद में, टू अगर थीटा, देखिए साइन टू ए होगा तो ये फॉर्मूला, साइन टू ए का फॉर्मूला अगर टेन के पद में पूछे, कोई टेन ए का मान दिया हो, इसका मान निकालने के लिए बोला साइन टू ए का, तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, मतलब सिचुएशन के अनुसार सारे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए, काम पढ़ने पर आपका उपयोग खुद खुद भाई खुद, मतलब जब काम पड़ेगा इस सारे फॉर्मूला का, तो उपयोग आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर, तो देखिए अगला फॉर्मूला हम साइन ए का लिखते हैं, साइन ए का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन टू ए था, अब साइन ए का फॉर्मूला लिखते हैं। साइन ए का फॉर्मूला लिखेंगे टू साइन ए बटे टू इंटू कॉस ए बटे टू, सब यही होगा, बस ए बटे टू कर देना है, ए बटे बस थीटा को आधा कर देना है, बस थीटा को आधा कर देना है। देखिए यहाँ पर आधा कर रहे हैं, टू ए है तो यहाँ पर ए कर रहे हैं। साइन टू ए का दूसरा फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला देखते हैं, टू ए था यहाँ पर आधा किए ए कर दिए, बराबर हो जाएगा टू टेन ए बटे टू बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे टू, यहाँ पर भी आधा हो गया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कॉस टू ए का फॉर्मूला देखते हैं,
cos 2a का फॉर्मूला देखते हैं हम। cos 2a का, cos 2a यहाँ पर है तो एक यहाँ पर cos a का फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए 2 है तो यहाँ पर ये आधा किया तो इसमें भी आधा हो जाएगा, cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटे 2। cos 2a का दूसरा फॉर्मूला, आधा सब इसमें सब आधा किया करते चलिए, 2 cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस 1। cos a का दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटे 2। इसी प्रकार cos a का चौथा फॉर्मूला लिखवाया है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बटे 2। टेन ए का फॉर्मूला देखते हैं टेन ए का फॉर्मूला 2 tan square a बटे 2। देखिए यहाँ पर 2 tan 2a का फॉर्मूला लिखा है 2 tan a/2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे ए, टेन स्क्वायर ए लिखे हैं, 2 tan a/1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आधा हुआ तो यहाँ पर भी आधा हुआ, 2 tan a/2 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 2। तो यही आपका जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला था, हम लमसम फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखवा चुके हैं। अगला अब अगर आपको 11th क्लास में सर लिखवाएंगे भी मैथ के, तो इससे कुछ एक दो फॉर्मूला बढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये अपना फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद रहता है तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कुछ फॉर्मूला छूट रहा है जो आपको मैथ में पढ़ने को मिल जाएगा। तो इतना ही फॉर्मूला त्रिकोणमिति में रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।